इंदौर जिले की बेटमा पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में ऑपरेशन प्रतिकार चला रही है। इसके अंतर्गत कुख्यात गुंडों, फरार आरोपियों, सटोरियों, जुआरियों, अवैध शराब माफियाओं और आपराधिक आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बेटमा पुलिस ने ऐसे ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बेटमा के मुख्य मार्ग पर नगर में जुलूस निकाला। इसमें एक आरोपी दीपक पिता बहादुर सिंह है, जिसने अपनी ही 6 माह की दूध पीती बच्ची को मां से छीनकर बजरंगपुरा जंगल के रास्ते से भागा था, जिसे बेटमा पुलिस ने बमुश्किल जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा और दूध पीती 6 माह की मासूम बच्ची को उसकी माँ पूनम के सुपुर्द कर आरोपी दीपक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसी प्रकार दूसरा आरोपी, जिसका नाम अर्जुन पिता चंद्र सिंह, जो अपनी पत्नी से शराब के नशे में आए दिन बेरहमी से मारपीट कर प्रताड़ित कर रहा था, जिसके विरुद्ध में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हाँ, एक ये आरोपी है दीपक पिता बहादुर सिंह, ये ग्राम जलवाय का रहने वाला है। ये जो अपनी पत्नी से दूध पीती बच्ची, 6 माह की बच्ची को छुड़ा कर जंगल के रास्ते शंकरपुरा तरफ से जंगल के रास्ते भाग रहा था, जिसे बामुश्किल घेराबंदी कर पकड़ कर लाए और दूध पीती बच्ची को उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एक आरोपी है अर्जुन, जो अपनी पत्नी को आए दिन शराब पीकर, शराब के नशे में बहुत ही ज़्यादा मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जिसे ऑपरेशन प्रतिकार के तहत गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दोनों आरोपियों का बेटमा नगर में जुलूस निकाला गया। जी, बेटमा पुलिस ऑपरेशन प्रतिकार चला रही है, उसके बारे में बताएं थोड़ा, क्या है ऑपरेशन प्रतिकार? ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये समय समय पर अभियान चलाया जाता है, जो जिसे कोई नशा करता है, अवैध शराब, ये शराब पीता है, गांजा अफीम जैसे नशा करके फिर अपराध करता है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।